Hey guys, welcome back to With One Competition and thanks for being here in our YouTube channel. So guys, आपण माने जदी फर्स्ट टाइम चैनल टिको देखतांति त सब्सक्राइब करिनियंतु पाखर थे बेल आइकन टिको भी माध्यम प्रेस करनियंतु जाफर के हम लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानको इजीली मिल परिवो. So आज हम डिस्कस करिया बीएड आर्ट्स 2020 रो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी रो सेट नंबर 3. ऑलरेडी सेट नंबर 1 एंड 2 हम डिस्कस करि सचंती जो माने 1 एंड 2 देखिनांति त रिक्वेस्ट के समान को देखिनियंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करा देतला देखिनियंतु बहुत इंपोर्टेंट रहबो आपण पर एग्जाम पार्ट. So, आज हम डिस्कस करबा टॉप 35 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर मु पिक कर छी जो क्वेश्चन ता सहित एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करबे. तो ता पूर्व आपन मन को कहबी कि आपन माने वीडियोस को लाइक एंड आपन को फ्रेंड सर्कल मन को मध्ये शेयर करंतु एंड कमेंट बॉक्स रे आपन को मतामत दियंतु वीडियो टी आपन को केमती लागो जा फल कि मते मोटिवेशन मिलबा आपन मन को पई रेगुलरली वीडियोस अपलोड करबा पई. सो चालंतु हम डिस्कस करबा कोन रहै छी सेट नंबर 3 रो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी रो टॉप 35 क्वेश्चन. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन रहै छी देखंतु फंडामेंटल राइट्स. कोन फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ को कॉन्स्टिट्यूशन टू इंस्पायर्ड करी कि फंडामेंटल राइट्स हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे अणा जाई छी. हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अणा जाई छी. एठी ऑप्शन रहै छी कि ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर एंड आयरलैंड. अच्छा को कॉन्स्टिट्यूशन रो अणा जाई छी जोटा कि यूएसए रो माने रखिबे यूएसए रो अणा जाई छी फंडामेंटल राइट्स. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आउ किछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जे बिन कहबी टोटल हमर फंडामेंटल राइट्स बर्तन 6टी केतटी 6टी किंतु आगुरु केतटी थिला 7टी. ठीक अछि त को फंडामेंटल राइट्स को जोटे कि रिमूव कर दिए जाय छि दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी. कोन राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक अछि प्रॉपर्टी मन रखथिबे एटा को अमेंडमेंट रे आ केबे एहा को रिमूव कर दिया गला जोटे कि 44th अमेंडमेंट 1978 रे या को रिमूव कर दिया गला. अच्छा एटा बर्तन कोन जोटे कि राइट टू प्रॉपर्टी को बर्तन तो फंडामेंटल राइट्स रिमूव कर दे जाय छी तो एबे एटा होची गोटे लीगल राइट. कोन लीगल राइट कोटा फंडा जोटे कि राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक अछि लीगल राइट. अच्छा बर्तन को आर्टिकल रे अछि 300 ए रे अछि वर्तमान माने रखथिबे 300 ए रे. तो परीक्षा रे जदि आसीबो फंडामेंटल राइट्स केतटी अछि 6टी अछि. ठीक अछि तो कोटा को रिमूव कर दिया जाइछ राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी बर्तन की राइट लीगल राइट. तो राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट जो जे हटा दितला 44th अमेंडमेंट 1978 रे बर्तन को आर्टिकल रे रहिछ 300 ए आर्टिकल रे बर्तन रहिछ. तो आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहिछ कि फंडामेंटल ड्यूटी. कोन फंडामेंटल ड्यूटी रहिछ तो एटा कोठु आसीछ एटा आसीछ आपनकर यूएसएसआर. यूएसएसआर जोटे कि रशिया रु. बिल्कुल भी कंफ्यूज हबे नि फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट आपनकर आसी छि यूएसए रु अमेरिका रु. फंडामेंटल ड्यूटी आसी छि आपनकर यूएसएसआर जोटे कि रशिया रु. आ फंडामेंटल ड्यूटी केतोटी एग्जाम रे पढे जोटे कि 11टी. 11टी होछि फंडामेंटल ड्यूटी. सो आउ किछि इंपोर्टेंट जोटे कि रहछि हमर यूएस रु अणा जाय छि जोटे कि प्रीएम्बल आमे फर्स्ट क्लास रे डिस्कस करथले. प्रीएम्बल आसी छि आउ रहछि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी आसी छि आउ रहछि आपनकर जो सुप्रीम कोर्ट केमिति हला कोन सुप्रीम कोर्ट रे जजेस सेटा भी आपनकर आसी छि. सुप्रीम कोर्ट भी मध्ये आसी छि यूएसए रु. आ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. सुप्रीम कोर्ट आ हाई कोर्ट जजेस को केमिति रिमूव करा जिवो सेटा भी मध्ये आपनकर यूएसए रु अणा जाय छि. ठीक अछि. सो नेक्स्ट हम जेबा मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहै छि. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो स्ट्रक्चर केमिति रहै छि. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहै छि तार स्ट्रक्चर होउ छि फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. कोन फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. हमर फेडरल फॉर्म रहै छि जेंति कि प्रेसिडेंट अछंती. यूनिटरी इन स्पिरिट जोटे कि हमर यूनियन ऑफ स्टेट रहै छि सेति पई फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 रहिछ देखंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आउ इजी क्वेश्चंस. व्हेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड. हमर इंडिया रे सुप्रीम कोर्ट केउ जगह रे रहिछ दैट इज न्यू दिल्ली. केउठी न्यू दिल्ली. तो या रिलेटेड क्वेश्चंस होची आपनकर वर्तमान हमर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए. हमर वर्तमान सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए अछंती आपन माने मते कमेंट बॉक्स रे जणैबे. तो सुप्रीम कोर्ट गला तो हाई कोर्ट. हाई कोर्ट हाई कोर्ट जोटे कि कोठी रहिछ हाई कोर्ट हमर स्टेट रे रहिछ कटक रे. कोठी कटक रे रहिछ हमर स्टेट रे हाई कोर्ट. ठीक अछि. वर्तमान हमर हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस से होचंदी किए. हाई कोर्ट रो जे चीफ जस्टिस होचंदी मोहम्मद रफीक. किए मोहम्मद रफीक होचंदी हमर वर्तमान हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस. मन रखथिबे इ जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड आपन को पई प्रश्न रहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हमर इंडिया जे कि सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस किए आपन माने मते कमेंट बॉक्स रे जणैबे. बहुत इजी क्वेश्चंस पचारु छी तो कमेंट बॉक्स रे जणैबे. ठीक अछि. या पूर्वरु आ गोटे क्वेश्चंस आसीथला कि हाई कोर्ट रो जोटा कि एज माने जो रिटायर्ड एज केते जोटा कि 62 माने रखिबे. आ चीफ जस्टिस कर रिटायर्ड एज होची 65. सो देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 रहिछ आपनकर.
रेहनुमाई माजदाशियन सभा वाज फाउंडेड बाय नारोजी फुदोन जी नारोजी फुदोन जी दिस रिफॉर्म केम इन 1851 केबे रिफॉर्म टी 1851 रे व्हेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज आर गोइंग थ्रू ए बैड फेज इन सोसाइटी तो बैड माने को समय रे जोटे की को कम्युनिटी कम्युनिटी मींस जोटे की आपण सिख मुस्लिम हिंदू सिंधी पर्सिस ये हुचि कम्युनिटी गोडा बिलोंग्स करंती तो को कम्युनिटी टाइम रे एटा बैड फेज रूपे काम करला दैट इज पर्सिस माने पर्शियन ठीक अछि. So then move on to question number 5. Question number 5 Rohiji, who was the founder of Arya Samaj? Arya Samaj ra founder kiye thile? Arya Samaj ra founder hochanti Swami Dayanand Saraswati. Mu again kahili ki jo founder organization thila tar founder kiye taku kebe establish kara jaitla aur kon pai kara jaitla that is important apanara exam point of view. So seguri ko apan mane mind ra rakhantu ki taku bhalse padhibe aur bhalse mukhasto karibe. Jadi mane na rahuchi taku ratta mari ki mane mukhasto karinintu jadi mane mind ra jadi bhalse mane na rahuchi thik achi barambar padantu gote dinsa ku jadi apan gote dinsa ku 10 times paduchanti more than 10 times paduchanti apanara sei jinsa मास्टर ही जीवे आ गोटे कथा रे छि कि रिपीटेशन इज द की ऑफ सक्सेस कोन रिपीटेशन इज द की ऑफ सक्सेस सेति पई गोटे दिन सब बारंबार रिपीट करले आपनकर मने रहि जीवो ठीक अछि. सो नेक्स्ट टाइम जे मोबाइल टू क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 रहि छि कि हु रोट वंदे मातरम. वंदे मातरम किए लिखितले? वंदे मातरम लिखितले बंकिम चंद्र चटर्जी. किए? बंकिम चंद्र चटर्जी. केबे फर्स्ट टाइम गान कर जेतला 1896 सुभाष चंद्र बोस. बहुत इंपोर्टेंट बुक बहुत बढ़िया बुक आपने पढ़ी पारे बहुत बढ़िया बुक द इंडियन स्ट्रगल 1922-1942. So then move on to question number 8. Question number 8 Rahichi, which country emerged as the richest and most powerful in the world after First World War? First World War pare ko country sabuthu powerful he gala and dhani bhi he gala, that is USA, United States of America, jiki First World War pare sabuthu richest and most powerful country rupe jana gala. Thik achi. So then move on to question number 9. Question number 9 is, who was the leader of Jacobin Club? Jacobin Club jo rahichi sethire kie member thile, sethire kie leader thile, se hochanti Maximilian Robespierre thile Jacobin Club ra leader. So then move on to question number 10. Question number 10 rahichi, which British Governor General introduced the policy of subsidiary alliance? Subsidiary alliance kie karthile? Subsidiary alliance karthile Lord Wellesley. Kie? Lord Wellesley. So then move on to question number 11. After which of the following incidents Mahatma Gandhi withdrew the non-corporation movement in 1922? 1922 re ko incident pare jote ki Gandhi ji non-corporation movement ko withdraw karne thile. So that is answer is चौरी चौरा इनसीडेंट. अच्छा चौरी चौरा इनसीडेंट जोटे कि केबे हितला 4th फरवरी 1922 से 1922 से इनसीडेंट परे जोटे कि गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन को विथड्रॉ कर देथिले. ठीक अछि. सो देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ मेनी एंग्लो मैसूर वॉर्स वेयर फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द किंगडम ऑफ मैसूर. एंग्लो मैसूर वॉर केतोटी होइला? दैट इज 4 फोर्थ एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चारोटी एंग्लो मैसूर वॉर होइला मन रखथिबे. देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वेयर एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंडर रे ओ स्टेट को जोटे कि एनेक्स करा जेतला माने लॉर्ड डेलहाउसी तांकर निज अधीन रे आनथले दैट इज झांसी स्टेट. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कोन जहार के नथिबे तांको संपत्ति सब कहाँ को जीव से जो माने राजा थिले बा गवर्नर थिले तो तांकू से संपत्ति गुडाक पळे जीव जेंति गवर्नमेंट को पळे जीव कथा कहिबा कि कथा रे कहिबा कि गवर्नमेंट को पळे जाहर के नथिबे माने सपोज दुई जण अछंती स्वामी स्त्री. ठीक अछि. तांकर के पुत्र पुओ नहांती यदि स्वामी मरि गला तो संपत्ति स्त्री को आउ जीवनी देन सेटा राजा को पाहु पळेबो बा गवर्नमेंट को पाहु पळेबो बा गवर्नर को पाहु सेतले लॉर्ड डेलहाउसी थिले गवर्नर तो तांको पाहु गुड सेटा ट्रांसफर हेतला सेति पई एको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोली कहा जाय. तो फर्स्ट होची झांसी स्टेट ए
अंडर जाइला जहाँ फल 1857 रे रिवोल्ट भी होता ठीक अच्छे जहाँ फल 1857 रे रिवोल्ट रोटे कारण भी यहाँ सो नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 14 Which of the following commissions was set up in 1882 and emphasized its recommendations on primary and secondary education? Primary and secondary education by recommendation is that is Hunter Commission. कौन? Hunter Commission. ठीक है ची. Hunter Commission. Then move on to question number 15. Question number 15 is the upper chamber of or the second chamber of the parliament in India is called. आम इंडिया रे जोटा कि अपर चैंबर को कौन कहा जाए आम इंडिया रे अपर चैंबर को कौन कहा जाए काउंसिल ऑफ स्टेट बोली कहा जाए कौन काउंसिल ऑफ स्टेट बोली कहा जाए मन रखिए सो देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 व्हेन इज बस्टाइल प्रिजन अटैक्ड एटा बहुत ही बढ़िया माने टॉपिक जो रहितला फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो बस्टाइल होची पेरिस रे रहिची कोठी पेरिस रे रहिची आपनकर बस्टाइल होची गोटे फोर्ट आउ सेठी जो माने बदमाश करथले जो पिजन्स माने जोटा थर्ड स्टेट रे जो माने बिलोंग्स करथी थर्ड स्टेट रे जो माने बिलोंग्स करथले जो माने पिजन्स थले माने जोटा माने लेबर श्रेणी रे थले आ समस्त सबठर नीचा श्रेणी रे थले थर्ड स्टेट रे लोक माने से माने किछि बदमाश करथले से मानकु एई बस्टाइल प्रिजन रे एंट्री कर जाउथला तो जतबेले बस्टाइल प्रिजन एठी कहा होछि कि केबे अटैक हेतला तो सेथरे अटैक करा जे अटैक हेतला केबे जेबे फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हेतला दैट इज 14th July 1789 ठीक अछि 14th July 1789 रे जोटे कि बस्टाइल प्रिजन आ ए जो प्रिजन रे टोटल अटैक करी के 7-7 जन बंदी हेतिले तांकु मुक्त करा जायतला ठीक अछि ए 7 जन लोकन को मुक्त करा जायतला बस्टाइल केम जगह रहै छि एटा पेरिस रे रहै छि ठीक अछि सो नेक्स्ट हमें जे मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 रहै छि Which European country gifted Bombay to King Charles II of England as dowry gift of his marriage with Catherine of Braganza? ठीक अच्छे तो को मैंने को किंग को दिया जाता है पोर्तुगल फ्रांस स्पेन ना ब्रिटेन पोर्तुगल किंग को दिया जाता है मैंने रखते हैं कि क्वीन विक्टोरिया यहाँ को जो टाकि डाउरी रूपे दे थे सो नेक्स्ट हमें जीवा क्वेश्चन नंबर 18 ब्राह्मो समाज वाज फाउंडेड देखो तो ऑर्गेनाइजेशन एथर दीटा पड़ जाय छे आर्य समाज पड़ी गला देन ब्राह्मो समाज को किए फाउंड करथले ब्राह्मो समाज को फाउंड करथले राजा राममोहन राय किए राजा राममोहन राय फाउंड करथले ब्राह्मो समाज आ आर्य समाज के करथले स्वामी दयानंद सरस्वती देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 द फंडामेंटल राइट्स एनश्योर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट कोटा को हमर प्रोटेक्ट करे दैट इज सिविल एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजन हमर ह्यूमन राइट्स एंड सिविल को प्रोटेक्ट करे किए फंडामेंटल राइट सो देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 इज हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से होचंती लोकसभा स्पीकर ठीक अछि लेजिस्लेटिव असेंबली कोन लोकसभा आ लोकसभा रो हेड जे ऑफिसर थांती प्रिसाइडिंग करंती लोकसभा को से होचंती स्पीकर त एटा इजी क्वेश्चंस आपन जदि बुझी परिबे आराम से करि परिबे सो देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21 9 डिग्री चैनल कहा को अलगा करे दैट इज लाकाडाइव्स एंड मिनिकॉय ए दिटा होची आइलैंड कोन आइलैंड ठीक अछि देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22 मैक्सिमम टोपियोका इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ कोन स्टेट रे मैक्सिमम टोपियोका जोटा कि प्रोड्यूस करा जाए दैट इज तमिलनाडु कोठी तमिलनाडु देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23 इज Which among the following tribes is not found in Indo-Gangetic Plains? Indo-Gangetic Plains रे को tribes जोटा की देखा जानती नहीं से questions रे कोची that is जरुआ ठीक अच्छी जरुआ मने रखते हुए जरुआ आउ जरुआ को who belongs करंती आपने मने मतलब comment box से जाने पे को region रू ठीक अच्छी comment box से जाने दे so next time जीवा move on to question number 24 which of the following statement is not true या भीतर को statement टा true नुह इक्वेटर जे ग्रेट सर्कल ये होची ट्रू ए स्टेटमेंट ट्रू तापर रहिची कि आपनकर
All longitudes are great circle. That is also true. Prime meridian is a great circle. That is also true. सापर कोई ची all latitudes are great circle ना. सब वो latitude great circle नो. Only 0 degree. 0 degree is a great circle. जोड़े की हम ऐसा कोई equator बोली को हो. कौन? Equator बोली को हो कहाँ को? 0 degree को. ठीक अच्छी. So next time जीवा move on to question number 25. 25 is the oldest coal mine in India is located in which of the following places in India? आम इंडिया रे ओल्डेस्ट कोल माइन हला रानीगंज कोठी रानीगंज जोटा के रही आम इंडिया रो सबुठारु ओल्डेस्ट कोल माइन देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीशीज इज एब्सेंट इन गिर फॉरेस्ट रे को एनिमल जोटा की एब्सेंट देखा जाए नाही ठीक अछि दैट इज लायन टेल्ड माक्यू ठीक अछि लायन टेल्ड माक्यू जोटा की देखा जाए नी गिर फॉरेस्ट रे आ गिर फॉरेस्ट केम जगार रहिछ गुजरात रे रहिछ माने रखबे गुजरात ठीक अछि जोटे की इंडियन लियोपार्ड स्नेक डियर ए सब देखा जांती सो देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27 देखंतु बहुत इजी क्वेश्चन जोटे की पिला एते बडो क्वेश्चन भाबि की डरि छबे बिल्कुल भी डरिबार किछ नै लेखाइ छि एक्स स्टैंडिंग 55 degree 30 minute ईस्ट लोंगिट्यूड ठीक अछि 55 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड दैट इज ईस्ट एंड दैट इज वेस्ट से कौन कहूँची एठी हमारो सेंटर रहला से कहूँची 55 डिग्री 30 मिनिट माने एठी हमें लॉन्गिट्यूड माने एटा लॉन्गिट्यूड रे अछि ठीक अछि तापर कहिची एक्स अछि ये होची एक्स देन वाई इज 55 डिग्री 30 मिनिट वेस्ट अच्छा लॉन्गिट्यूड ये होची आपनकर एठी ए लॉन्गिट्यूड रे रहिची वेस्ट रे ये होची एठी ठीक अछि किए वाई तापर कहिची Which one of the following closer to prime meridian? अच्छा, prime meridian कोच की prime meridian रे किए हुचे सबटर closest. ये दीजनो भीतर closest नो दीजनो same direction रे. ये भी जतिक से भी सतिक. Prime meridian को हमें 0 बोली count करू. That is Greenwich mean time. कोनो Greenwich mean time जोटे की London रे रहिचे सेटा हुचे हमारा prime meridian. All over world हम map रो. Map रो हुचे prime meridian कोठी 0 degree. That is London Greenwich mean time. आउ सेठु जदि आमे ये करिबा ए दिटा होची सेम सेम डायरेक्शन रे रहिचंती तो कोटा हबो बोथ आर क्लोजर टू द प्राइम मेरिडियन इन सेम डायरेक्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20 तेलंगाना एंड रायलसीमा आर डिवाइडेड बाय द रिवर तेलंगाना एंड रायलसीमा दैट इज कृष्णा रिवर डिवाइड करछि कोन कृष्णा रिवर ठीक अछि देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29 इज गुजरात इज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस केम रिसोर्सेस पाई गुजरात फेमस दैट इज साल्ट काहे कि ना गुजरात होची हमर ईस्ट कोस्ट माने सॉरी सी कोस्ट रे बिलोंग्स करे तो सेति पाई एटा साल्ट रे फेमस साल्ट पाई फेमस सो देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीलोप स्पीशीज ऑफ इंडिया इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट बोभियन बोभी नहीं ठीक अछि तो के होची एंटीलोप स्पीशीज इंडिया रो दैट इज आंसर इज चौसिंघा आपण माने जदि देखिनाती तो गूगल रे चौसिंघा मार देबे फोटो आसी जेबो बहुत सारा देखि देबे ठीक अछि सो नेक्स्ट टाइम जेबो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर शो एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न शो करे तो को रिवर या भीतर को रिवर एंटीसीडेंट दैट इज कोसी ठीक अछि कोशी देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32 गोंड ट्राइब्स आर मोस्टली फाउंड इन द रीजन ऑफ गोंड ट्राइब्स केउ जगह रे देखा जाए गोंड ट्राइब्स देखा जाए आपनकर बस्तर जोटा कि छत्तीसगढ़ रे रही छि कोन छत्तीसगढ़ रे बस्तर डिस्ट्रिक्ट सो देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33 सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज नोन एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को कोन कहा जाए दैट इज हॉर्स लैटिट्यूड बोली कहा जाए कोन हॉर्स लैटिट्यूड इज नोन एज सॉफ्ट ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34 लाइमस्टोन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील इन विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील प्लांट कम्स फ्रॉम एटा केउ जगह रे रहिछ जोटा कि विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील प्लांट दैट इज लोकेटेड इन भाडीगुंडा एटा भाडीगुंडा केउ थि रहिछ जोटा कि आंध्र प्रदेश रे रहिछ Then move on to question number 35 and the last question.
पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क केउठी अछि मध्यप्रदेश रे रहै छै माने रखै इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस केउ बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस रे एटा लोकेटेड अछि दैट इज ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट कोठी मध्यप्रदेश रे रहै छै मध्यप्रदेश हमर बिलोंग्स करै छै कोन ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट हमर ओडिसा भी ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट रे बिलोंग्स करै ठीक अछि दैट इज आंसर इज ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट जोटे कि पेंच नेशनल पार्क जोटा कि जियोग्राफिकल प्रोविंस रे लोकेटेड आउ एटा केउ जगा रे रहै छी मध्य प्रदेश रे रहै छी सो गाइस आपन को वीडियो टी केमती लागला निहाते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणाबे आपन को फ्रेंड सर्कल मान को मध्ये वीडियो को शेयर करंतु जते शेयर करिवे मते मोटिवेशन मिलबो लाइक करंतु वीडियोस को लाइक करू नाते लाइक करंतु आपन को लाइक एंड शेयर मो पई मोटिवेशन मो अगेन कहू छी कि आपन जते लाइक शेयर माने वीडियोस को बहुत शेयर करू छन त बहुत वीडियो व्यू आसले मो आपन मान को पई जोटा कि सब्जेक्ट वाइज क्लास नै केसी भी आपन को बहुत ही माने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हेल्पफुल हबो तो सेतिपय वीडियोस को लाइक एंड शेयर करी चलंतु धन्यवाद पुन देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे।